हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में नोटपैड की हेल्प से बैच स्क्रिप्ट का यूज करते हुए हम एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं जो आपने आज से पहले क्रिएट नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने आपको काफी सारे वीडियोस सिखाए हैं, काफी सारी स्क्रिप्ट आपको बताई है, चाहे वो कैलकुलेटर क्रिएट करना हो, चाहे वो गेम क्रिएट करना हो, चाहे वो ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स हो, काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जिसके लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको रेडियो क्रिएट करना बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक रेडियो प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके सिस्टम का नोटपैड ही काफी है बैच स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे एक सिंपल सा आइकन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका नाम लिखा हुआ रेडियो। ठीक है, एक बैच स्क्रिप्ट का आइकन है, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कैसे काम कर रहा है वो हम जान लेते हैं। इस स्क्रिप्ट को कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि जैसे ही आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, एक शॉर्टकट आपका क्रिएट हो जाएगा रेडियो स्टेशन का, जिसमें आपको बार बार इस फाइल को डायरेक्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप उस शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं, इस फाइल को आप हाइड कर सकते हैं सेम फोल्डर में जहां पर भी आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको मिलेगी एक शॉर्टकट की अगर आप ऑटो हॉट की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जिसमें आप कंट्रोल प्लस आर दबाकर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से ये रेडियो स्टेशन की जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, वो वर्क करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये एक बैच स्क्रिप्ट है, इसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक रेडियो स्टेशन का आइकन यहां पे क्रिएट हो गया है, और साथ ही साथ यहां पर आपके सामने एक इंटरफेस आ गया है जिसमें आपके पास कुछ चैनल्स आ रहे हैं, रेडियो स्टेशन चैनल्स, जिनको आप नेविगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। और नीचे यहां पे मैंने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, मेक अ सिलेक्शन और हिट एंटर टू क्विट, यानी कि अगर आप डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये क्विट हो जाएगा, आप इससे सीधा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास यहां पे शॉर्टकट भी है, आप इस शॉर्टकट से डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं जो इसी एप्लीकेशन को फेच कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसके इंटरफेस को, यहां पर मैंने आपको टोटल 8 चैनल दिए हैं, वर्ल्ड वाइड 8 चैनल दिए हैं जो कि सारे इंटरनेशनल चैनल हैं, जिनका स्ट्रीम लिंक मैंने इस स्क्रिप्ट में यूज किया है। ठीक है, आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे यहां पर मैं आपको आपके रीजनल चैनल्स भी आपको कैसे अप्लाई करने हैं इसी एप्लीकेशन में, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यहां पे इंटरनेशनल चैनल दे रहा हूं जिनको आप बखूबी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नवा ऑप्शन जो मैंने आपको दिया है यहां पे, स्टॉप स्ट्रीमिंग रेडियो स्टेशंस, यानी कि आप जो स्ट्रीम है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यहां पे प्ले करना है चलिए देख लीजिए। यहां पे तो इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, मैंने यहां पे आपको मेन्यूज दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, टोटल 9 मेन्यूज हैं और इन्हीं 9 मेन्यूज को आपको यहां पे यूज करना है, यानी कि मेक अ सिलेक्शन यहां पे लिखा आ रहा है, दैट मीन कि यहां पे आपको वो नंबर टाइप करना है जो आप प्ले करना चाहते हैं। सपोज मैं यहां पे प्ले रेट्रो डांस रेडियो स्टेशन यहां पे प्ले करना चाहता हूं, यानी कि सेकंड नंबर प्ले करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे जस्ट टाइप करूंगा 2 और एंटर बटन यहां पे प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक रेडियो प्ले हो रहा है, एक सॉन्ग यहां पे प्ले हो रहा है जिसका साउंड आपको यहां पर आ रहा होगा। ओके, इस कंडीशन में आपका सिस्टम सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, आपको कोई ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां पे हम स्ट्रीम यूआरएल की हेल्प से डायरेक्ट बैच स्क्रिप्ट से डायरेक्ट उस स्ट्रीम यूआरएल को फेच कर रहे हैं और डायरेक्ट प्ले कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीबी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहां पे अभी सेकंड नंबर का जो रेडियो स्टेशन है वो आपका प्ले हो रहा है। अगर मैं चैनल चेंज करना चाहूं तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा इस बार, अगर मैं 1 प्ले करना चाहता हूं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पे अब फर्स्ट जो नंबर का जो चैनल है जो कि डीजे बज रेडियो स्टेशन है वो यहां पे प्ले हो जाएगा। इस तरीके से आप आपके पास 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये वो फर्स्ट 8 स्ट्रीम यूआरएल है जो इजीली अवेलेबल थे, बाकी जो यूआरएल हैं अलग अलग रेडियो चैनल के हम उन सभी को फैच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे फैच करना है, कैसे यूज करना है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन इस रेडियो को, इस जो रेडियो आपके सामने, इसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी के लिए जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो यहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट फाइल है आप इसको क्लोज करेंगे तो ये रेडियो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको यूज कैसे करना है, आपको जाना है अपने सिस्टम में नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में जाना है और यहां पे एक स्क्रिप्ट आपको लिख देनी है। तो यहां पे जो स्क्रिप्ट आपको यूज लेनी है वो है ये जो मैंने यहां पे पेस्ट करके आपको दिखाई है। ठीक है, लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके यूज कर सकते हैं।
तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन करके वहां पर पेस्ट कर देना, यानी कि कंट्रोल वी दबा देना, ठीक है। देन जस्ट आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, सेव एज में जाने के बाद आप यहां पे सपोज डेस्कटॉप पे या फिर जहां पर भी आप चाहें वहां पर रेडियो के नाम से या फिर किसी भी नाम से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर माई रेडियो, ठीक है, .bat एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे। .bat एक्सटेंशन सेव करने पर आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे या फिर जहां पर भी आप चाहते हैं वहां पर एक फाइल यहां पे क्रिएट हो गई। सपोज पुरानी फाइल को मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं, ये आ गई न्यू फाइल माई रेडियो के नाम से। अब मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं वैसा ही यहां पे इंटरफेस आ गया है, रेडियो स्टेशन का आइकन यहां पे क्रिएट हो गया है। जस्ट आपको क्या करना है, यहां पे एक इनपुट डालना है, सपोज 4 नंबर का आपको मोज़ेक गोल्ड स्टेशन आपको चलाना है, तो 4 नंबर दबाया, एंटर बटन प्रेस करा, जो मोज़ेक गोल्ड रेडियो स्टेशन है वो आपका आपके सिस्टम में प्ले हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंटरनेशनल रेडियो स्टेशंस जिनका आप बखूबी यूज ले सकते हैं, इनको यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कौन से चैनल चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा, उनके जो लिंक है वो कैसे फेच करने हैं उनके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर हम किसी और भी प्रोग्रामिंग से अगर ये एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो विजुअल बेसिक हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या फिर जावा हो, तब भी हमें स्ट्रीम यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेब ऐप के थ्रू भी हम स्ट्रीम यूआरएल की हेल्प से ही रेडियो प्ले कर पाते हैं, तो स्ट्रीम यूआरएल हमें फेच करना ही पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए इस रेडियो का आप लुफ्त उठाइए और डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर आप इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके डायरेक्ट रेडियो बना सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।